नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। प्रधानमंत्री पर हमारी स्पेशल सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी देश के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की, और आज बात करेंगे देश के 13वें प्रधानमंत्री यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमने पीएम सीरीज के 10वें एपिसोड में अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपको विस्तार से बताया था। अटल जी 1999 के चुनाव में एक बार फिर से सरकार बनाकर देश की सत्ता पर काबिज हुए थे। हालांकि वो पहले भी दो बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन तब दोनों बार ही उनकी सरकार गिरा दी गई थी। लेकिन 1999 के चुनाव के बाद उन्होंने अपना कार्यकाल पहली बार पूरा किया था। साल 2004 आया, अटल बिहारी वाजपेयी अब शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन 13 मई 2004 को सामने आए नतीजों में वोटर्स ने उन्हें नकार दिया। अब सत्ता की चाबी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के हाथ में थी। उस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट थी और माना यह जा रहा था कि वही देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन ये बात विपक्ष के गले से नहीं उतर रही थी। वो लगातार हमलावर थे कि 100 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में कैसे एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री बन सकती है। उस वक्त बीजेपी की फायर ब्रांड नेता रही सुषमा स्वराज ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो मुंडन करा लेंगी और सांसद पद त्याग देंगी। तमाम हंगामों के बीच 15 मई को सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया, लेकिन पीएम पद को लेकर अब भी महामंथन जारी था। एक तरफ सियासी गर्माहट के बीच शेयर बाजार तेजी के साथ लुढ़कता जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ गांधी परिवार में इमोशनल लड़ाई चल रही थी। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं, उस समय गांधी परिवार उलझन में था। राहुल अपनी माँ को पीएम नहीं बनने देना चाहते थे और वो किसी भी कीमत पर उन्हें रोक रहे थे। दोनों माँ बेटे के बीच बहस हो रही थी। राहुल को डर था कि अगर उनकी माँ पीएम बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। उस वक्त मनमोहन सिंह, मैं और प्रियंका गांधी वहां मौजूद थे। राहुल बेहद गुस्से में थे और अपनी मां से पीएम न बनने के लिए लड़ रहे थे। सोनिया गांधी उस वक्त आंसुओं के साथ रो रही थी, क्योंकि उनके लिए राहुल की बात को दरकिनार करना भी मुमकिन नहीं था। बताया जाता है कि तमाम पशुपेश के बीच 18 मई 2004 की सुबह सोनिया, राहुल और प्रियंका जल्दी उठकर राजीव गांधी की समाधि पर पहुंचे। तीनों लोग काफी देर तक समाधि के सामने बैठे रहे। उसी समय 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बड़ी बैठक हुई। सोनिया ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखा और कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी पीएम बनने का नहीं था। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी ऐसी नौबत आई तो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी, और आज मेरी अंतरात्मा की आवाज कह रही है कि मैं पीएम पद स्वीकार ना करूं। सोनिया गांधी का ये फैसला सुनते ही सांसदों में हलचल मच गई। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने चिल्लाते हुए कहा कि हमारी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि आपको ही पीएम बनना चाहिए। बताया जाता है कि करीब 2 घंटे तक कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। तब यूपी के एक सांसद ने कहा, मैडम आज आपने वही मिसाल कायम की है जो आजादी के बाद महात्मा गांधी ने की थी। जब देश में पहली बार सरकार बनी तो गांधी जी ने भी सरकार में शामिल होने या कोई पद ग्रहण करने से मना कर दिया था, क्योंकि तब गांधी जी के पास नेहरू थे, आपके पास कौन है। दरअसल संसद में मौजूद वो तमाम नेता नहीं जानते थे कि सोनिया के पास भले ही कोई नेहरू ना हो, लेकिन एक तुर्क का इक्का जरूर था जिसके बारे में सोनिया ने अभी तक किसी को नहीं बताया था। हमेशा की तरह हंगामे के बीच भी मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के आसपास ही थे, लेकिन वो शांत थे। वो भी नहीं जानते थे कि अगले ही पल क्या होने वाला है। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया, और इस तरह देश को पहली बार एक सरदार प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह मिले। उन्होंने 22 मई 2004 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी किताब टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखा, यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को पीएम बनाने से संबंधित पत्र भी तैयार कर लिया था, लेकिन जब सोनिया गांधी मुझसे मिली और उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो मैं हैरान रह गया। बाद में दोबारा पत्र तैयार करवाना पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो बन चुके थे,
लेकिन उनके बारे में हमेशा ये दावा किया जाता था कि उनकी सरकार चलाने में पूरी तरह गांधी परिवार का दखल होता था। हर बड़ा फैसला पीएम की जगह पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी लेती थी। बताया जाता है कि मनमोहन सिंह के पीएम बनने के बाद पीएमओ में एमके नारायणन जैसे सीनियर अफसरों को नियुक्त किया गया था, जिनकी वफादारी हमेशा से सोनिया गांधी के प्रति होती थी। प्रधानमंत्री सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह ने खुद ये माना था कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पास सत्ता का केंद्र है और उनकी सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। संजय बारू के मुताबिक सोनिया का प्रधानमंत्री न बनना एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने औपचारिक तौर पर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया था, लेकिन वास्तविक सत्ता की ताकत उन्होंने अपने हाथ में ही रखी थी। संजय बारू की इसी किताब के ऊपर इसी नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें मनमोहन सिंह का किरदार फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने निभाया है। उन्हें किस तरह पीएम बनाया गया, वो किस तरह कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बने रहे, इस बारे में गहराई से जानने के लिए फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखी जा सकती है। संजय बारू अपनी किताब में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह के तमाम छोटे बड़े फैसलों में सोनिया गांधी का हस्तक्षेप होता था। 2009 में जब दूसरी बार सरकार बनी तो सोनिया ने उनसे पूछे बिना प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री पद ऑफर कर दिया था, जबकि मनमोहन सिंह सीवी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। इसी तरह ए राजा और टीआर बालू जैसे नेताओं को पीएम की मर्जी के खिलाफ मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था, जिन पर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। इन सब हालातों के चलते मनमोहन और सोनिया के बीच रस्साकसी भी चल रही थी। क्योंकि मनमोहन सिंह ज्यादा मुखर होकर बोलते नहीं थे, इसलिए उनके बीच की इस खींचतान का कोई बाहरी फायदा नहीं उठा पाया। एक और दावे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे और उन्होंने उनका नाम सोनिया गांधी के पास भेजा, लेकिन मैडम गांधी ने मोंटेक का नाम खारिज करते हुए पी चिदम्बरम को चुना और उन्हें ही वित्त मंत्री बनाया। आगे चलकर पी चिदम्बरम भी आईएनएक्स मीडिया केस में फंसे और कुछ दिन तिहाड़ जेल में बिताना पड़ा। इसी से समझा जा सकता है कि कैसे दूरगामी दृष्टिकोण वाले मनमोहन सिंह के ऊपर अपनी ही पार्टी के फैसले भारी पड़ते रहे। साल 2007 का एक मामला आपको बताते हैं। राहुल गांधी को तब कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। वो कांग्रेस के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। राहुल ने उस वक्त पीएम मनमोहन को 500 गांवों में मनरेगा का दायरा बढ़ाने के लिए एक ज्ञापन दिया था। इसके अगले दिन मीडिया ने छापा कि राहुल ने प्रधानमंत्री को मनरेगा को बढ़ाने के लिए कहा। इस घटना के बारे में संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने मजाक मजाक में अपने एक करीबी पत्रकार को मैसेज किया था कि ये घोषणा पीएम साहब की तरफ से जन्मदिन का तोहफा है, लेकिन जब ये मैसेज कांग्रेस के मेन लीडर्स तक पहुंचा तो मामला बिगड़ गया। इसके बारे में पीएम ने बारू से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बारू जवाब देते हैं कि सर मनरेगा को बढ़ाने का क्रेडिट आपको ही जाता है। तब मनमोहन सिंह ने गुस्से में कहा, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, मुझे किसी तरह का कोई मीडिया प्रोजेक्शन नहीं चाहिए। तो इसी तरह का एक किस्सा साल 2006 का भी है। दरअसल साल 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने हमारे देश पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। ऐसे में पीएम बनने के 2 साल बाद मनमोहन सिंह ने वाशिंगटन में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने न्यूक्लियर डील पर साइन किया। इस डील से परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास खत्म हो रहा था। इसे इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट कहा गया, लेकिन देश के वामपंथी दलों को ये अमेरिका की कोई चाल लग रही थी। उनके मुताबिक इस डील से देश की स्वतंत्र विदेश नीति पर असर पड़ सकता था। यूपीए सरकार में तब वामपंथी दलों के करीब 60 सांसद थे और उन्होंने डील साइन होते ही अपना समर्थन वापस ले लिया। वामपंथी दलों की तरफ से मनमोहन सरकार को डराने का काम सीपीआई नेता एबी वर्धन कर रहे थे। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि ये सरकार कब तक टिकेगी, तो उन्होंने गरजते हुए कहा, बस आज शाम 5 बजे तक। लेफ्ट के इस फैसले से सोनिया भी घबरा गई, लिहाजा पहले डील का समर्थन करने वाली सोनिया अब डील कैंसिल करने की बात करने लगी। मनमोहन सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह की मदद से 19 वोटों से मनमोहन सरकार ने ये विश्वास मत जीत लिया और इस तरह उनकी सरकार भी बच गई और अमेरिका के साथ डील भी। साल 2009 में जब फिर से देश में यूपीए की सरकार बनी, तो इसके अगले साल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत दौरे पर आए और जब वापस गए तो उन्होंने अपने राजनीतिक सफर पर किताब लिखी, जिसका नाम था अ प्रॉमिस्ड लैंड।
किताब में ओबामा ने 2010 की भारत यात्रा के बारे में कुछ ऐसा लिखा जो कांग्रेस के लिए एक बदनुमे दाग जैसा था। ओबामा ने लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीएम के रूप में चुना जाना देश की प्रगति की दिशा में हुआ एक प्रयास था, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने पॉपुलैरिटी की वजह से पीएम नहीं बने थे, बल्कि उन्हें सोनिया गांधी ने पीएम बनाया था। वो एक ऐसे बुजुर्ग सिख नेता थे जिनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था। सोनिया को मनमोहन से अपने बेटे राहुल के लिए कोई सियासी खतरा नहीं दिखा, तभी उन्हें पीएम पद पर बिठाया गया, क्योंकि तब सोनिया राहुल को बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही थी। मैं नवंबर की उस रात पीएम मनमोहन का घर छोड़ते हुए सोच रहा था कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन अपनी जिम्मेदारी से अलग होंगे तो कांग्रेस का क्या होगा? क्या मशाल कामयाबी के साथ राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी? उनकी मां ने जो नियति तय की है, क्या वो पूरी हो पाएगी? खैर, ओबामा का डर अपनी जगह वाजिब था। यूपीए 1 में मनमोहन सिंह पीएम थे, फिर यूपीए 2 में भी वही पीएम बने। इसके बाद हवा बदली और मोदी की सरकार बनी। पिछले 10 साल से सोनिया गांधी राहुल को देश की सत्ता पर आसीन होते देखना चाहती हैं, लेकिन उनके अरमान अब भी अधूरे हैं, क्योंकि मोदी सरकार का दावा है कि वो एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर 5 साल के लिए कांग्रेस को सत्ता के मोह से वंचित होना पड़ेगा। कांग्रेस की कामयाबी की मशाल तब कौन संभालेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिन मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी अपना सबसे भरोसेमंद मानती थी और देश की सत्ता सौंपी थी, एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पति राजीव गांधी मनमोहन सिंह को पसंद नहीं करते थे। ये किस्सा साल 1985 से 1990 के बीच का है, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में राजीव गांधी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। राजीव गांधी ने पंचवर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग बुलाई थी। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उन्होंने इससे जुड़ी एक प्रेजेंटेशन तैयार की। मनमोहन का फोकस गांव और गरीब लोगों को डेवलप करने का था, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट का था। वो विदेशों के तर्ज पर अपने देश में भी बड़े बड़े हाईवे, मॉल, अस्पताल बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मनमोहन सिंह की प्रेजेंटेशन देखी वो भड़क गए और सबके सामने मनमोहन सिंह को डांटने लगे। जब पत्रकारों ने राजीव से योजना आयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो जोकरों का एक समूह है। मनमोहन सिंह को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने मनमोहन सिंह को समझाते हुए कहा कि आप जल्दबाजी में इस्तीफा देंगे तो इससे किसी का कुछ नहीं जाएगा, बस देश का नुकसान होगा। ये बात सुनने के बाद अपमान का घूंट पीकर भी मनमोहन सिंह पद पर बने रहे। तो ऐसे थे देश के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमेशा अपने से पहले देश हित के बारे में सोचते थे। अगले एपिसोड में बात देश के 14वें प्रधानमंत्री की। तो फिलहाल आज के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।